अब यहाँ पे देखो एक पेड़ लड़ा बच्चों का ही, तो शायद इनकी पतंग कोई कटेगी तो हम लूटेंगे। ऊपर वाला देखो चक्कर दे रहा है, मारेगा, ये मारा और वो कट गई, देखो उसकी वहीं गिर गई। यहाँ पे मेरा पेज चल रहा है, बहुत बढ़िया पेज है, नीचे से आपको जाना है और जल्दी से पतंग बताऊँ क्या करना, जाते ही सीधी पतंग अंदर की खींच देनी है और अपोनेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे एक और पेज, नीचे से मेरी पतंग गई, ऊपर से अपोनेंट की पतंग है, राउंड है पूरी, बाहर की खींची स्ट्रेट और काट दिया पेज भी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइडर ऑफिशियल। यार बारिश तो हर जगह हो रही है, जहाँ देखो वहाँ बारिश है, बरेली में भी बहुत बारिश है, लेकिन जब भी हमें टाइम मिलता है तो बारिश रुकती है, हम पतंग उड़ा लेते हैं। और यहाँ पर भी ऐसी सीन है, जब भी बारिश रुकती है ना पतंगबाजी हो जाती है। तो सामने देखो काफ़ी पतंगें तंगे उड़ लेंगे, तो अभी इसी पतंग को हम पार करते हैं अपनी गिलहरा, आप लोग कहते हैं कलरफुल पतंगें, तो कलरफुल पतंग ही पार कर रहे हैं। तो पहली पतंग ये रही, देखते हैं कि इस वाली पतंग हम कितनी पतंग काटेंगे। और काइट शॉप की वीडियो बना ली है, तो कल काइट शॉप की वीडियो आ जाएगी। यार जो आप कह रहे हो उसके ऊपर मैं वीडियो ला रहा हूँ, बस आप शेयर करते जाओ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये रही हमारी पहली पतंग पार होकर जा रही है, तो चलो भाई काट के दिखाते हैं इस पतंग से। हवा बहुत शानदार, जब भी बारिश होने वाली होती है, हो गई होती, तो हवा बहुत अच्छी निकल के आती है। और आप लोग कह रहे हैं कि पूरी हमें बता दो कि पतंग कैसे सही करते हैं अगर राउंड पतंग हो, तो अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि राउंड पतंग को कैसे सही करें तो कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो हमारी हो चुकी है पतंग पार, डायरेक्ट लड़ा के दिखाते हैं आपको। सामने काफ़ी पतंगें उड़ रही हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। तो मेरी पतंग देखो राइट साइड, मेरी पतंग है ऊपर से, और नीचे से एक बंदा आ रखा है ब्लू साइड के अंदर, ये बंदा हमारे राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है। मेरी पतंग थोड़ी सी भारी है और मैं सोच रहा हूँ कि इसे फंसा लूँ मैं, अगर फंसा लूँगा तो शायद पेज वाला काट दूँगा, क्योंकि भारी पतंग का यही फ़ायदा होता है, आप फंसा के भी लड़ाओगे आप बहुत पतंगें काटोगे, अगर आगे वाले की पतंग हल्की है। ये गया फिर से कन्नू के पास, फिर रखी उठा ली, आगे घर आ रहा है वो थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है हमें। फिर रखी उसने अंदर की खींची, फिर चक्कर दिए मैंने, एक बार पेज फंस जा यार, इतना नीचे नहीं जाना, अगर इतना नीचे जाऊंगा तो शायद वो मेरी पतंग खेल देगा, फंसाने का मौका नहीं दे रहा वो, अपोनेंट भी काफ़ी चलाक है हमारा। फिर रखी मैंने, चक्कर दिए बाहर की, और देखो ले गया, मैंने कहा था ना कि वो फंसाने का मौका नहीं देगा, जैसे मैंने पतंग रखी और वहीं पर ही उसने अंदर की पतंग खींच के हमारा वाला पेज काट दिया। अब पहली पतंग तो हमारी काट गई, तो यहाँ पर हमने अपनी एक और पतंग पार कर ली, तो रेड सर्किल में मेरी पतंग गई, मैं नीचे से लड़ाऊँगा और ऊपर से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल अंदर। सामने आप देख सकते हैं ये वाला पेज बहुत अच्छा है, आपको सीधे अंदर की पतंग खींच देनी है, और भाई अगर कोई भी नया बंदा होगा ना वो एकदम से घबरा जाएगा, वो मुड्डा ही मारेगा आपके ऊपर और आप अंदर की पतंग खींचोगे, पतंग काट लोगे। हालांकि मैं इसे लपेटने की कोशिश कर रहा था लेकिन पतंग आई नहीं और वो चले गए। तो यार पेज काफ़ी अच्छा है, एक बार मैं डमी काइट की हेल्प से समझा देता हूँ, अगर आप फेस्टिवल के टाइम में खाली पतंगबाजी करते तो ये वाला पेज सीख जाओ, बहुत पतंगे काटोगे ये वाले पेज से आप। अब देखो इस वाले पेज में कुछ नहीं करना है, पिंक वाली पतंग जैसा कि हमारी है और ब्लैक वाली हमारे अपोनेंट की है, तो यहाँ पर आपको नीचे का पेज लेना है और आपका अपोनेंट ऊपर से होगा, नीचे से जाना है और जल्दी से पतंग अंदर की खींच देनी है, थोड़ी सी हवा चल रही है, नीचे से जाके जल्दी से पतंग अंदर की खींचनी है, भाई आपका अपोनेंट पक्का घबरा जाएगा यहाँ पे और वो बाहर की पतंग खींचेगा, और आप अंदर की खींच रहोगे तो आप आराम से उसकी पतंग काट दोगे। और यहीं पर अगर कोई अच्छा बंदा है तो अगर आप अंदर की पतंग खींचोगे या सीधी खींचोगे तो वो जल्दी से आपके हाथ के ऊपर रुख दिखाएगा, तो आपको एक और मौका मिल जाएगा, आप जल्दी से झटके मार सकते हो तो भी उसकी पतंग काट दोगे। तो ये ऐसा पेज है कि आप यहाँ पे दो तीन चांस है आपके पास दूसरे की पतंग काटने के लिए, बस जल्दी से आपको पतंग खड़ी कर लेनी है और अंदर की खींच देनी है। कौन कौन वाला पेज लड़ाता है और किस किस को वाला पेज पसंद है मुझे कमेंट करके बताना भाई, मैं काफ़ी लड़ाता हूँ वाला पेज। चलो दूसरा पेज लड़ाते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पे एक और पेज चला, सामने एक पतंग उड़ रही, तो रेड सर्किल मेरी पतंग है ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल अंदर। अब वो बंदा सामने से उड़ा रहा, बीच में टावर आ रहा है यार, उसी का फ़ायदा उठा के वो एकदम टावर के पीछे कर ले रहा है अपनी पतंग। चलो कोई नहीं, इसको भी हम काट देंगे। यहाँ पे पतंग रखी थी, फिर बचा ली उसने, फिर अंदर का रुक दिया, और वो देखो वहाँ पे डोर टच हो गई, जैसे मैंने अंदर का रुक दिया था
वहाँ पे डोर हो गई टच और ये वाला पेज हमने काट दिया। तो इस वाली पतंग से हमने पूरी दो पतंग कर ली है। चलो एक और पतंग उड़ रही सामने, देखो पार हो रही है, उसे उड़ाते हैं। यहाँ पे एक और पतंग पार हो गई है, तो रेड सर्कल में मेरी पतंग है ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल में, ये बंदा राइट एंड साइड से लड़ा रहा है। तो ये वाला पेज देखो आप यार, ये लोग टावर के पीछे चले जा रहे हैं, तो मुझे इन लोग की पतंगें नहीं दिख रही हैं। मौका था यहाँ पे भाई, मौका मिला था यार, मुझे खेच मार देनी चाहिए थी। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा अपोनेंट, तब भी मैंने पतंग रखी, फिर उसने पतंग बचा ली अपनी, नीचे बाहर की निकाल ला है, बाहर की निकाल ला भाई, फिर गद्दा रखा, उठाई अंदर के झटके मारे, पेज हुआ है, पेज पड़ा है, मैं चक्कर दे रहा हूँ और पतंग घुस गई मेरी, घुसने के बाद मेरी पतंग उसने काट दी, मेरी पतंग घरों के पीछे चली गई थी और देखो उस बंदे की पतंग उठ के आ गई। अब वाली पतंग तो मेरी काट गई, तो मैं अपनी दूसरी पतंग लेने गया था नीचे से। ऊपर मैं पतंग इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि बारिश का सीजन है, इसलिए मैं छत में ज़्यादा पतंग लाता नहीं हूँ, दो तीन लाता हूँ फिर कट जाती हूँ, फिर नीचे लेने जाता हूँ। अब पतंग नीचे से लेने गया था, इतनी देर में देखा कि यहाँ पे कुछ पतंगें लड़ रही हैं और बच्चे लोग लड़ा रहे हैं, तो बच्चों के पेज आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कन्नों के पास से कटवाएगा ये पक्का, देखो कटे कन्ने, तो यही होते हैं बच्चों के पेज, उन्हें कुछ मतलब ही नहीं है पतंग लंबी हो छोटी हो, बस पतंग घुसा देनी है एक दूसरे में। पतंग हट गई उसकी, यहाँ से एक और पतंग पार हो रही है, तो हम भी अपनी पतंग पार करते हैं, थोड़ी हवा भी हल्की हुई है सामने, हम अपनी पतंग दूर लड़ाएंगे जहाँ पे वो पतंग लड़ रही है। चलो उधर ही लेके चलते हैं, दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो पतंग मैंने अपनी पार कर ली है, तो लेफ्ट साइड में मेरी पतंग है, नीचे से ऊपर से अपोनेंट है ब्लू साइड के अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन आप इसकी पतंग में गौर करना कितनी ज़्यादा राउंड है इसकी पतंग। अब राउंड पतंग अगर किसी की है तो उसकी पतंग कैसे काटनी है, वेट करो अंदर जाओ, जैसी उसकी पतंग ऊपर को उछले, मतलब उसकी पतंग का मुड्डा ऊपर को हो, उसी समय आपको सीधी खींचनी है और ऐसे आप राउंड पतंग को काट सकते हो, क्योंकि काफ़ी रिस्क रहता है राउंड पतंग को काटने का, उनका मुड्डा कभी भी आपके हाथ के ऊपर आ सकता है और आपकी पतंग काट सकती है। लेकिन कोई नहीं, काट दिया पेज भी। तो अब हो चुकी है शाम, लेकिन पतंगबाजी भी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी हवा भी और निकल के आई है, मेरी पतंग सामने खड़ी है, ये देखो मेरी पतंग कहाँ है, वो खड़ी है आसमान में, इधर और भी पतंगे, मतलब पतंगे पतंगे, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता मुझे, एक आध पतंग जैसे ही काटता हूँ तुरंत दूसरी पतंग लड़ने के लिए आ जाती है हमारे पास। तो और भी पतंगे पार हो गई, इन दोनों में से जो भी पतंग पहले आगे पहुँचेगी उससे पेड़ लड़ाएंगे, दिखाएंगे आपको। यहाँ पे एक और पेड़ रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग, नीचे से ऊपर से अपोनेंट है ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है, सीधी खींची उसने रखी, चक्कर नहीं आए यार, मेरी पतंग में चक्कर नहीं आया, अगर चक्कर एक भी आ जाता ना उसकी पतंग कट जाती, तो चक्कर देखो कितने मेन है, फंसे हुए पेज में चक्कर बहुत मेन होते हैं यार।